तो पिछले बार हम कह रहे थे ध्यायते विषयान पुंसा, ध्यान गलत विषय पे हुआ तो क्या होता है, लेकिन ध्यान सही विषय पे भी हो सकता है, और उसका परिणाम क्या है। ध्यायते विषयान पुंसा, हमें क्या करना चाहिए, जब हम पढ़ रहे हैं वी कैन मेक नोट्स। नोट्स बनाने से फायदा ये है कि उसको हम रिवाइज जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम होता नहीं। तो एग्ज़ाम में सक्सेस का रेट कब बढ़ जाता है, जब आप रिविज़न ज़्यादा करके जाते हैं। जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर पाते हो उतना ज़्यादा आपको याद आता है और उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं। तो रिविज़न ज़्यादा करने के लिए आपके पास चीज़ें कम होनी चाहिए, और चीज़ों को कम करने के लिए आपको पढ़ते समय नोट्स बनाना चाहिए। जब आप नोट्स बना के उसको कॉन्साइज फॉर्म में करके रख लेते हो तो उसको रिवाइज करना बार बार आसान है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते, बार बार ध्यान करने से उस पर आपका संग आ जाएगा उसके अंदर, है ना, उसके अंदर ही आपका बुद्धि घूमने लगेगा, और जब बुद्धि उसके अंदर घूमने लगेगा तो आपके डिसीजंस परफेक्ट होने लगेंगे। मेक नोट्स एंड सेव टाइम। थैंक यू वेरी मच।